नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गैस पेपर के थ्रू करा रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर भी देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, लेकिन आपको वो नहीं देखने हैं जो मैं 2023 के गैस पेपर करा रहा हूँ, यही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। आज का पेपर रहेगा टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के बिना सामाजिक अध्ययन शिक्षण निर्जीव है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे कैसे आता है वो आपको देखना है। विदाउट द यूजिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी इज़ लाइफ लेस, कमेंट इन डिटेल, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे पूछता है, और ऐसे पूछता है कि चार्ट के माध्यम से दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल साइट्स थ्रू अ चार्ट। और कैसे पूछेगा कि शिक्षण के किन्हीं दो श्रव्य में सामग्रियों के उपयोग को संक्षेप में लिखिए, राइट द ब्रीफ यूज़ ऑफ एनी टू ऑडियो एड्स इन टीचिंग। और कैसे पूछता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के बिना सामाजिक अध्ययन शिक्षण निर्जीव है, विस्तार से चर्चा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑडियो विजुअल एड्स का क्वेश्चन करके जाना है भाई, काफ़ी बार आया है, ठीक है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है आपको। ये क्वेश्चन आपका एक ही आंसर आपका इसमें एक ही चल जाएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, वो आपका ऐसा है कि कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में किसी एक विषय पर पाठ योजना तैयार करिए, यानी कि लेसन प्लान आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रिपेयर आर लेसन प्लान ऑन एनी वन टॉपिक फ्रॉम अ सोशल साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 8, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी एक विषय पर हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ योजना तैयार कीजिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान बेस्ड ऑन अ हर्बर्टेरियन अप्रोच फॉर एनी वन टॉपिक ऑफ क्लास 7 सोशल स्टडी सिलेबस, है ना। और कैसे पूछेगा कि कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पुस्तक में से किसी एक विषय पर हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ योजना। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेसन प्लान कैसे तैयार करना है करके जाना है, क्वेश्चन आता है 2022 में। ये क्वेश्चन आपका कैसे पूछा गया कि पाठ्यक्रम का अर्थ और लक्ष्य लिखिए, ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग एंड एम ऑफ करिकुलम। थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि कक्षा 6 के छात्रों को पढ़ाने के लिए हर्बर्ट के पदों पर आधारित सामाजिक अध्ययन की अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए। प्रिपेयर लेसन प्लान ऑफ सोशल स्टडी टू टीच अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑन द टॉपिक ऑफ अवर ऑन चॉइस बेस्ड ऑन हर्बर्टेरियन स्टेप्स। और कैसे पूछेगा पाठ योजना से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन करता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना के महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन सोशल स्टडी टीचिंग। और कैसे पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना की भूमिका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेसन प्लान इन सोशल स्टडी टीचिंग, ठीक है, 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, आपके विचार में पाठ योजना का कौन सा उपागम अच्छा है और क्यों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग, इन योर ओपिनियन विच अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज़ गुड एंड वाई। तो ये क्वेश्चन भाई पाठ योजना का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, 5 सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का उल्लेख कीजिए, मेंशन अ 5 माइक्रो टीचिंग स्किल्स, या फिर कैसे पूछेगा और सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन कि सामान्य शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द जनरल टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं दोष लिखिए, राइट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, है ना। तो क्वेश्चन आपका भाई सूक्ष्म शिक्षण का इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 5 सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण है उसके सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और कैसे पूछता है कि सामाजिक अध्ययन की कक्षागत शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र क्या हैं, विवेचना कीजिए, है ना, व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड मैक्सिमिज ऑफ द क्लासरूम टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी। और कैसे पूछता है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की क्या आवश्यकता है और महत्व बताइए, व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। और कैसे पूछेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग एट अपर प्राइमरी लेवल।
2022 में कैसे पूछे गए आइए देखते हैं, ठीक है। 2022 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। माध्यमिक स्तर के माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य है, तो इसमें दोनों पूछ लिया आपका 2022 में, लक्ष्य भी और उद्देश्य भी। वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ पे एक में उद्देश्य पूछ रहा था, किसी में सूत्र पूछ रहा था, किसी में सिद्धांत पूछ रहा था, ठीक है। डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। ये वाला कैसे आया कि शिक्षण के चार सूत्रों की व्याख्या कीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पुराना मैंने आपको दिखाया था। एक्सप्लेन एनी फोर मैक्सिमिज ऑफ टीचिंग, तो भैया क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बी एस ब्लूम का, ब्लूम के द्वारा दिए गए शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखिए। राइट डाउन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग लर्निंग, या फिर ब्लूम के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन गिवन बाय ब्लूम, या फिर ब्लूम के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना कीजिए। डिस्कस कॉग्निटिव डोमेन गिवन बाय ब्लूम, तो भैया क्वेश्चन आपका ब्लूम वाला इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक, या फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, उनमें से किन्हीं दो प्रविधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी, या फिर डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन। और कैसे पूछा गया कि विधि और प्रविधि में क्या अंतर है। सामाजिक अध्ययन की विभिन्न शिक्षण प्रविधियों के नाम बताइए, उनमें से किन्हीं दो की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड टीचिंग, नेम द डिफरेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी, डिस्क्राइब टू ऑफ देम ऑफ शॉर्ट्स। 2022 में कैसे पूछे गए इससे रिलेटेड आइए देखते हैं। 2022 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, प्रविधि से रिलेटेड, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन सी प्रविधियाँ सहायक हो सकती हैं। विच टेक्निक कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग, या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधुनिक एवं परंपरागत शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। किसी एक शिक्षण विधि के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। व्हाट आर द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, डिस्कस इन डिटेल एनी वन ऑफ द टीचिंग मेथड ऑफ सोशल साइंस। तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इसको करके जाना है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षण व्यूहरचना तथा शिक्षण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम है और क्यों। विच इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी टू द सेकेंडरी क्लास एंड वाई इलिसिटेड। 2022 में कैसे पूछा गया कि योजना विधि के गुण एवं दोष, यानी कि यहाँ पे एक विधि का नाम प्रॉपर आपको दे दिया है और उसके गुण दोष आपसे पूछे हैं। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, तो क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक किस प्रकार सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकती है। हाउ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन सोशल साइंस क्लासरूम, या फिर संप्रेषण कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कम्युनिकेशन स्किल। 2022 में कैसे आया आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट रहता है आईसीटी, ठीक है, करके जाना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। हाउ आईसीटी कैन बी यूजफुल यूज इन अ सोशल साइंस टीचिंग, तो ये क्वेश्चन भाई आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, करके जाने हैं, एक ही आंसर आपका इनमें चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल स्टडी टीचिंग, या फिर सामाजिक विज्ञान कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का तकनीक के क्या अनुप्रयोग है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द सोशल साइंस क्लासरूम, तो क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की आत्मनिर्भरता का वर्णन कीजिए। डिस्टिंग्विश द बिटवीन द सोशल साइंस एंड नेचर साइंस। डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन इन स्कूल, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके 2022 में आपके पूछे गए, ठीक है, आइए इनको भी देखते हैं।
ये थोड़े नए क्वेश्चन थे, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्लासीफाई द डिफरेंट टीचिंग एड्स विच कैन बी यूज इन सोशल साइंस टीचिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। दूसरा कैसे पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान में सेमिनार किस प्रकार से सहायक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हाउ कैन द सेमिनार बी यूजफुल इन सोशल साइंस, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, इनको करके जाना है। तो ये थे आपके सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सोशल साइंस का गेस्ट पेपर मैं आपका करा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं जो आपके हिंदी में आते हैं, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से आपका कुछ नहीं आने वाला है। वैसे मैं आप इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप ये मुझसे इनकी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8445799336। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड की फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, प्राइस में बता दूंगा, ठीक है। पीडीएफ लेनी है तो तभी मैसेज करना, फालतू का कोई मैसेज ना करना, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा और बने रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का और अपना खुद का भी। नमस्ते डाडा, थैंक यू, धन्यवाद।